हेलो जी नमस्ते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बीच रिज़ोर्ट नॉर्थ गोवा में, बहुत ही तगड़ी लोकेशन में। मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी बट इन्होंने जो है मेरे को रूम जो है अपग्रेड कर दिया है और अच्छा वाला रूम दे दिया है। मैंने डिलक्स रूम बुक किया था बट इन्होंने मुझे काफ़ी तगड़ा रूम दे दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर है बालकनी, ये है बालकनी, यहाँ पर हमारा गार्डन व्यू है, सामने जो है बीच है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच है। सबसे पहले शुरू करते हैं बाथरूम से क्योंकि मेरे को बाथरूम बहुत सही लगा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये बाथरूम है, यहाँ से आते हैं, यहाँ बैठने के लिए है, ये कबर्ड दे रखी है इन्होंने स्टोरेज के लिए, सेफ है। फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा मिरर है, वॉश बेसिन है, फिर यहाँ पे इन्होंने ड्रायर दिया हुआ है, टेलीफोन दिया हुआ है, डेंटल किट है, देन यहाँ पे इन्होंने टॉवल दे रखे हैं, टॉवल इन्होंने 1, 2 टॉवल दिए हुए हैं। यहाँ पे टॉयलेट एरिया, फिर यहाँ पे शावर एरिया है, शावर में इन्होंने पूरी शावर किट दी हुई है, साबुन वगैरह, शावर जेल, और यहाँ पे बाथ टब भी है, जो कि जो रूम मैंने पहले बुक किया था उसमें बाथ टब नहीं था और उसका बाथरूम भी बड़ा छोटा सा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम, यहाँ पे है इनका रूम, काफ़ी बड़ा रूम है। सबसे पहले यहाँ पे सोफ़ा दिया हुआ है, छोटा सा टेबल, फिर यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह को फ़ोन कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा बेड है, 5-6 पिल्लोज हैं, ऊपर फ़ैन चल रहा है, काफ़ी एंटीक सा फ़ैन है। देन यहाँ पे कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए, फिर टीवी दे रखा है, यहाँ पे केटल दे रखी है, 2 बोतल पानी की, फिर ये टी किट, कॉफ़ी किट हर रोज़ देते हैं, हर रोज़ 2 बोतल देते हैं। टेबल चेयर है, छोटा सा मिरर है, यहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा मिरर दे रखा है, यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, शूज़ वगैरह खोल सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही ख़ास बात यहाँ पे बालकनी भी है, बालकनी काफ़ी तगड़ी है। जो मैंने पहले रूम बुक किया था उसमें बालकनी नहीं थी बट इस वाले में जो है बालकनी भी है और काफ़ी सही व्यू है यहाँ से, एकदम जो बैक वाटर्स हैं यहाँ से दिखते हैं, ये बैक वाटर्स है। यहाँ पे कोकोनट के पेड़ देखने को मिल रहे हैं भाई, नारियल के, तो ऐसा सा रूम है। और अभी चलते हैं बीच की तरफ या फिर बाहर इनका पूल वगैरह देखते हैं। इनके 3-3 तो भाई स्विमिंग पूल हैं, जिम एरिया है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने के लिए। जब हम रिसेप्शन से यहाँ तक आए हैं तो मतलब देख रहा था मैं, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ अभी। और इनका रिसेप्शन एरिया भी बहुत ही सुंदर था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो ये जो आप देख रहे हो अभी, ये रिसेप्शन एरिया है, काफ़ी खुला डुला है, आते ही आपको मतलब जैसे ही आप मतलब रिजॉर्ट में घुसते हो एक बहुत ही अच्छी फील आता है, एकदम पूरा खुला खुला है और बहुत सारे नारियल पेड़ देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं बाहर और मैं आपको रिजॉर्ट घुमाता हूँ थोड़ा सा। रूम्स के बाहर जो है काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगता है, हर रूम के बाहर मतलब हरियाली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे इनका आयुर्वेदा स्पा भी है, अंदर स्पा भी होता है। यहाँ पे है इनका स्पा एंड मसाज एरिया, स्पा एंड मसाज, इनका एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ स्पा और मसाज मिलता है यहाँ पे, मसाज रूम है, सोना, स्पा, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे है इनका जिम एरिया, काफ़ी बड़ा जिम है यहाँ पे, और बाहर जो है वो पूल है यहाँ पे, एक पूल यहाँ पे भी है भाई साहब, छोटा सा पूल है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और ये जिम एरिया है, भाई बता रहा है यहाँ पे कि ऊपर भी जिम है, तो ऊपर भी देख के आते हैं, ऊपर भी है ना भैया, ऊपर देखते हैं। टॉप फ्लोर पे ये वाला जिम पेड है ना, ये वाला जिम जो पेड है, इनका नीचे वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो फ्री है। यहाँ पे जिम है, काफ़ी बड़ा जिम है, योगा वगैरह भी होता है यहाँ पे, किक बॉक्सिंग वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पे पूल है, ये वाला स्विमिंग पूल मैंने नीचे से भी दिखाया था आपको, काफ़ी सही है, प्राइवेट प्राइवेट पूल्स लग रहे हैं छोटे छोटे। यहाँ पे भाई ने बोला कि किक बॉक्सिंग एरिया है, यहाँ पे किक बॉक्सिंग होती है भाई साहब, MMA वगैरह यहाँ पे सिखाया जाता है। वाह, यहाँ पे MMA क्लासेस चलती हैं इनकी, योगा वगैरह यहाँ पे होता है, काफ़ी तगड़ा बनाया हुआ है भाई साहब। और वहाँ पे हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर मूर्त लगी है मेरे को भोले बाबा की, शांति से बैठे हुए हैं हमारे भोले बाबा। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ब्रेकफास्ट करते हुए, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड है रूम्स के साथ, फ्री ब्रेकफास्ट है, बुफे ब्रेकफास्ट। तो पहले अभी पूल वाली तरफ ही चलते हैं, जो बड़ा पूल है, यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं गार्डन से। भाई बता रहा था कि यहाँ पे वीकेंड्स पे जो है पार्टी होती है, पूल पार्टी चलती है, DJ वगैरह बजता है, और यहाँ पे जो है इनका बड़ा वाला पूल है बाहर वाला जो है आउटडोर्स पे, ये वाला इनका है आउटडोर पूल, काफ़ी बड़ा पूल है, और सामने जो है बीच दिखती है यहाँ से, बहुत ही सही लग रहा है। और यहाँ पे इनकी काफ़ी कैटेगरीज़ के रूम है, जैसे ये वाले कॉटेजेस हैं, ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं, 4-5 कैटेगरी के तो इनके रूम्स हैं भाई यहाँ पे। एक रूम्स की कैटेगरी ये भी है, इनका यहाँ पे पर्सनल सा गार्डन व्यू है, ये भी काफ़ी सुंदर है।
यहाँ पे एक और कैटेगरी के रूम्स हैं और यहाँ पे एक और पूल है, ये थर्ड पूल है इनका, ये भी मेरे को काफ़ी सुंदर लगा है। और ये अलग कैटेगरी के रूम्स हैं, ऊपर इनका रिसेप्शन एरिया है वो। हाँ, ये कितना सुंदर है, यहाँ पे डिनर करने का मज़ा आ जाएगा ना। जैसे हमारा गार्डन व्यू है, इन लोगों को यहाँ पे बैक वाटर व्यू मिला हुआ है और काफ़ी सुंदर है। बीच यहाँ पे है, बीच जाने के लिए जो है ये सामने रास्ता है, बहुत ही सही है। मेरे ख्याल से एक बार डुबकी लगा लेते हैं स्विमिंग पूल में। बाकी दो पूल्स में काफ़ी लोग हैं, मेरे को यही वाला एकदम सही लग रहा है। यहाँ पे कोई है भी नहीं और एकदम क्लियर लग रहा है पानी, सामने बीच है तो यहीं पे डुबकी मारी जाएगी। तगड़ा ही मज़ा आ गया भाई जी। ऊपर नारियल के पेड़ हैं, यहाँ पे मस्त पानी है, पीछे बीच दिख रहा है, यहाँ से पीछे सनसेट हो रहा है। पूल के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट और फिर गए बीच की तरफ। रिजोर्ट से बीच जाने के लिए ये लकड़ी का बड़ा ही सुंदर सा ब्रिज बनाया हुआ है। रिजोर्ट से बीच बिल्कुल पास में ही है और ऐसा लगता है कि जैसे प्राइवेट बीच में जा रहे हो। इतनी सुंदर और साफ बीच देख के मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मतलब आप खुद ही देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ 5-6 दिन रुके थे और कभी भी बीच आना मिस नहीं करते थे। मतलब कभी कभी तो हम 2-3 बार दिन में बीच आ जाते थे। सबसे अच्छी बात इस बीच की मुझे ये लगी कि यहाँ पे बहुत कम भीड़ है और बहुत ज़्यादा शांति थी। जैसे मैं बागा बीच पे गए थे, हम लोग कलंगूट पे गए थे, उस साइड में बहुत ज़्यादा क्राउड थी भाई। इतने लोग आते हैं ना वहाँ पे, मतलब चलने को जगह नहीं मिलती ऐसा लगता है। बट ये वाली जो है एकदम शांत बीच है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक लोग नहीं दिख रहे हैं। साफ लग रही है, कितनी सही मिट्टी लग रही है इस वाली की, पानी भी बहुत साफ लग रहा है। देख रहे हो कितनी शांत बीच है यार, एकदम पीसफुल है। इस बीच का नाम मांद्रेम बीच बता रहा था कोई, मैंड्रीम या मांद्रेम बीच है। लोग ही नहीं दिख रहे हैं भाई, दूर दूर तक यहाँ पे 10-15 लोग दिख रहे हैं। देख रहे हो पूरा खाली पड़ा हुआ है, लोग एकदम चिल मार रहे हैं, बहुत सही माहौल है। एंड यस आई लव इट, इसमें तो मज़ा आएगा समुंदर के अंदर जाने में भी। रिजोर्ट तो अच्छा है ही और उसके 2-3 स्विमिंग पूल्स प्लस बड़े बड़े गार्डन्स, पर उससे भी ज़्यादा मज़ा मुझे बीच में आने में आया। काफ़ी प्राइवेट सी बीच है और हम तो कभी कभी मतलब रात को भी बीच में आ जाते थे। तो मैं डेफिनेटली ये बीच में आना रिकमेंड करूँगा आपको अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। 5-6 दिन में मैंने एक और बात नोटिस की कि इस बीच में आपको मैक्सिमम जो टूरिस्ट हैं वो फॉरनर्स मिलेंगे। किसी लोकल ने मुझे बताया कि ये बीच जो है काफ़ी फेमस है फॉरनर्स के बीच में, स्पेशली रशियंस के बीच में। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया बीच में और सबसे सही टाइम बीच आने का मुझे लगा मॉर्निंग में, जब हम यहाँ पे जॉगिंग करने आते थे और स्विमिंग करने आते थे। और सनसेट के टाइम पे तो भाई अलग ही माहौल होता है यहाँ पे, बहुत ही शांति होती है, एकदम रिलैक्स करने आप आ सकते हो शाम के टाइम पे। एक और चीज़ अभी दिखाना रह गई है आपको, वो है बूफे ब्रेकफास्ट। ओके, तो यहाँ पे है बूफे ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जूस है और बूफे ब्रेकफास्ट जो है इंक्लूडेड है रूम के साथ। यहाँ पे आलू पूरी, उपमा, फिर मैसूर वड़ा, तवा परांठा, सांभर है, इडली है, फिर ब्रेड पकौड़ा, ओरिगैनो पोटैटो, ग्रिल टोमेटो, काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ब्रेड्स हैं, फिर यहाँ पे काफ़ी इन्होंने फ्रूट्स दिए हुए हैं, दही दी हुई है यहाँ पे, काफ़ी वैरायटी के फ्रूट्स वगैरह हैं। और मेरा फेवरेट ये छोटू वाला केला, यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स हैं। फिर यहाँ पे अगेन कपकेक्स वगैरह हैं और इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी है यहाँ पे। फिर चिकन है, बॉइल्ड एग्स हैं, ये क्या है, पैन केक है, चाय कॉफ़ी है। बूफे ब्रेकफास्ट में काफ़ी ऑप्शन है, मतलब सारा कुछ तो ट्राई कर ही नहीं सकता बंदा, और भी कुछ है। बट हम लोग यहाँ पे 4-5 दिन हैं तो हर रोज़ डिफरेंट ट्राई करेंगे और काफ़ी ऑप्शन है यार, मज़ा आ रहा है। हम सीखेंगे अंडा कैसे तोड़ा जाता है। मुर्गी आया, अंडा आया, पहले मुर्गी आएगी, अंडा आया। सबसे पहले इस तरफ मारो, ठीक है, फिर इस तरफ मारो, फिर एक तरफ से इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरफ से ऐसे कर लो, ठीक है, एक साइड से ब्रेक कर लिया, इधर से भी ब्रेक कर लिया, अब आपको सिर्फ फूक मारनी है। ये देख अंडा निकल गया है एकदम प्योर, एक भी आपके वो नहीं मिलेगा। और उसके बाद अपना एग जो है वो एंजॉय करो, अंदर वाला पोर्शन दे दो, आप करो। तो ये था रिवर रिजॉर्ट और मैंद्रेम बीच, अरंबोल बीच। काफ़ी पीसफुल एरिया है, काफ़ी रिलैक्सिंग एरिया है।
तो अगर आप लोग रिलैक्सिंग स्टे ढूंढ रहे हो नॉर्थ गोवा में तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।